हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वीकेसीआई कंप्यूटर एजुकेशन। स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में समझाने वाला हूं डीसीए कोर्स के बारे में। डीसीए कोर्स की पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको समझाऊंगा कि डीसीए कोर्स की क्या ड्यूरेशन होता है, डीसीए कोर्स का क्या सिलेबस होता है, क्या फी होता है और किस किस फील्ड में जॉब डीसीए कोर्स करने के बाद मिल सकती है। तो स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, वीडियो को पूरा देखिएगा। और स्टूडेंट, यहां पर मैं आपको बता दूं, जो मैं डीसीए कोर्स की यहां पर बात कर रहा हूं, मैं क्योंकि जो डीसीए कोर्स होता है वो 6 मंथ का भी होता है, 12 का भी होता है। कहीं कहीं 6 मंथ का कराया जाता है, कहीं कहीं 12 मंथ का कराया जाता है। तो जो सेंटर पर कोर्स कराया जाता है वो लगभग 6 मंथ का होता है, और जो कॉलेज या आपका यूनिवर्सिटी के थ्रू कराया जाता है वो लगभग 12 मंथ का होता है। तो इसमें जो आपकी क्लास जो 6 मंथ का है उसके लिए 10th क्लास पास होना चाहिए, और अगर आप 12 मंथ का डीसीए कोर्स कर रहे हैं तो उसमें आपका 12th क्लास पास होना चाहिए। तो यहाँ पर हम जो आपको डीसीए कोर्स के बारे में समझा रहे हैं वो सेंटर पे क्या क्या सिलेबस होता है, फीस क्या होती है और ड्यूरेशन क्या होता है, ये सेंटर के बारे में मैं आपको पूरा डीसीए कोर्स के बारे में समझाएंगे। जो यूनिवर्सिटी कराती है उनके बारे में यहाँ पर इस वीडियो में बात नहीं करूंगा, वो मैं किसी नेक्स्ट अलग वीडियो में बनाऊंगा उसके ऊपर। तब उसमें हम यूनिवर्सिटी जो डीसीए कोर्स में क्या क्या सिलेबस है, क्या क्या ड्यूरेशन है, फी क्या है, उस वीडियो में बात करूंगा। यहाँ पर जो अधिकतर सेंटर पर जो कोर्स कराए जाते हैं, जो इंस्टीट्यूट होते हैं वहां पर जो कोर्स कराए जाते हैं, तो उनमें क्या क्या सिलेबस है, तो इस वीडियो में पूरी जानकारी हम आपको देंगे। तो स्टूडेंट, चलिए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि डीसीए कोर्स क्या होता है। तो स्टूडेंट, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, डीसीए की फुल फॉर्म है डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन है। तो चलिए स्टूडेंट, अब इसके बाद समझते हैं इसका सिलेबस क्या क्या होता है। तो यहां पर स्टूडेंट मैं आपको बता दूं कि जो सिलेबस इसका होता है वो नंबर एक, कंप्यूटर फंडामेंटल में क्या क्या कोर्स कराया जाता है, थोड़ा डिटेल में समझते हैं। कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर की हिस्ट्री क्या है, कंप्यूटर किसे कहा जाता है, कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं, कंप्यूटर जनरेशन क्या है, कंप्यूटर के पिता किसे कहा जाता है, कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं, कंप्यूटर के कितने पार्ट्स होते हैं, कंप्यूटर मॉनिटर, माउस, कीबोर्ड, सीपीयू, सीपीयू की फुल फॉर्म क्या है, यूपीएस, यूपीएस की फुल फॉर्म क्या है, प्रिंटर क्या होते हैं, प्रिंटर कितने टाइप्स के होते हैं, मदरबोर्ड, रैम, रोम, हार्ड डिस्क आपकी एसएसडी क्या होती है, एसएसडी क्या होती है, सीपीयू की फुल फॉर्म क्या होती है ना। इसके बाद इसमें आपके माउस के कितने टाइप्स होते हैं, कीबोर्ड कितने प्रकार के होते हैं, मॉनिटर कितने प्रकार के होते हैं, कंप्यूटर को कैसे ऑन ऑफ किया जाता है, उसके स्टेप्स क्या है। तो ये सभी मैं आपको ये जो समझा रहा हूं ये कुछ मेन पॉइंट है। इसके बाद बहुत सारा सिलेबस होता है, तो ये सारी चीजें कि कंप्यूटर कैसे ऑन ऑफ करते हैं, उसके स्टेप्स क्या है, तो ये सभी कंप्यूटर फंडामेंटल में आपको समझाया जाता है। सेकंड पॉइंट आता है पेंट। तो अगर हम पेंट की बात करें तो देखिए पेंट क्या होता है, जैसे कि सब जानते हैं एक ड्रॉइंग टूल है, इसे किस तरीके से ओपन किया जाता है, किस तरीके से क्लोज किया जाता है, पेंट में कौन कौन से टूल्स होते हैं, वो सभी टूल कैसे वर्क करते हैं, तो ये सभी पेंट के बारे में आपको समझाया जाता है इस सिलेबस में। इसके बाद हम बात करते हैं नोटपैड की, इसी तरीके से नोटपैड क्या होता है, इसे ओपन कैसे करते हैं, क्लोज कैसे करते हैं और इसमें हम क्या क्या कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका वर्डपैड। वर्डपैड क्या है, वर्डपैड के ओपन करने के स्टेप क्या है, क्लोज करने के स्टेप क्या है, वर्डपैड में हम क्या क्या कर सकते हैं, जो आपका ये वर्ड पैड जो है इसमें हम कौन कौन से फंक्शन होते हैं, वो फंक्शन कैसे वर्क करते हैं। इसके बाद आपका आता है नंबर 5,
एमएस वर्ड मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है और ये सभी जब आप जॉब करते हैं तो सभी जगह इसका यूज होता है। यहाँ पर इसमें एमएस वर्ड में बेसिक से एडवांस तक सारी चीजें क्लियर रखी गई, जैसे कुछ सभी नहीं, कुछ जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे कि एमएस वर्ड क्या है, इसे ओपन कैसे करते हैं, इसे क्लोज कैसे करते हैं, इसमें हम क्या क्या क्रिएट कर सकते हैं और इन इसमें क्या क्या शॉर्ट की यूज होती है, वो सभी शॉर्ट की क्या है, क्योंकि इंटरव्यू में पूछे जाते हैं तो ये सारी चीजें डिटेल में आपको समझाया जाता है। और कुछ ऐसे एडवांस की अगर हम बात करें तो जैसे आपका एडमिट कार्ड हो गया, अगर हम एक क्लिक करते हैं तो पूरे स्कूल के एडमिट कार्ड किस तरीके से मेलिंग के थ्रू, मेल मर्ज के थ्रू हम बनाते हैं एमएस वर्ड में, पे स्लिप इसी तरीके से कैसे क्रिएट की जाती है। और भी इसमें कुछ आपके एग्जाम्पल हैं, जैसे कि एक दो एग्जाम्पल, जैसे ऑफिस बटन क्या है, ऑफिस बटन में क्या क्या फंक्शन होते हैं, ठीक है ना। और इसमें जो वर्ड फाइल है, अगर कोई भी आप एमएस वर्ड में फाइल बनाते हैं उसमें पासवर्ड कैसे क्रिएट करते हैं, पासवर्ड कैसे डालते हैं, प्रीव्यू कैसे देखते हैं, फाइल को फॉर्मेटिंग कैसे करते हैं, इसके बाद हेडर क्या होता है, फूटर क्या होता है, किसी एमएस वर्ड की फाइल को हाइपरलिंक से कैसे जोड़ते हैं, कैसे लिंक बनाते हैं, मैक्रोस क्या होता है, ड्रॉप कैप क्या होता है, टाइप्स ऑफ केस किस तरीके से होता है, अगर आप एमएस वर्ड में कोई चीज आपने टाइप किया तो उसे हम कैपिटल लेटर सारा कैसे लिखेंगे एक साथ, लोअर केस में कैसे लिखेंगे, तो ये सब इसमें है। सुपर स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट क्या होता है, कमेंट कैसे लगाते हैं, एमएस वर्ड फाइल को अगर कोई एमएस वर्ड फाइल में कोई आपने फाइल बनाई उसे जेपीजी में कैसे कन्वर्ट करेंगे, पीडीएफ में कैसे कन्वर्ट करेंगे, लेटर हेड कैसे बनाते हैं, प्रोजेक्ट के लिए कोई भी अगर आप प्रोजेक्ट बनाते हैं तो उसमें आपको किस तरीके से वर्ड आर्ट का यूज करते हैं, शेप्स का कैसे यूज करेंगे, स्मार्ट शेप्स का कैसे यूज करेंगे, कोई फॉर्म कैसे क्रिएट कर सकते हैं, कोई फाइल आपने बनाई है उस पेज में आप वाटरमार्क कैसे लगाएंगे, पेज बॉर्डर कैसे करेंगे, बुलेट्स कैसे लगाएंगे, टेबल कैसे क्रिएट करेंगे और बहुत सारे अदर्स फीचर हैं। तो क्योंकि 6 मंथ का कोर्स है तो एक एक बारीकी से बताया जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं एमएस एक्सेल की, तो देखिएगा एक्सेल भी काफी पावरफुल इंपोर्टेंट एप्लीकेशन है माइक्रोसॉफ्ट का। तो इसमें अगर हम एक्सेल की बात करें, कुछ फंक्शन की बात करें, इंपोर्टेंट जो फंक्शन है और इसमें क्या क्या, थोड़ा बेसिक और एडवांस दोनों कुछ पॉइंट में आपको समझाने की कोशिश मतलब कर रहा हूं, जैसे कि एक्सेल क्या है, एक्सेल कैसे ओपन करते हैं, कैसे क्लोज करते हैं और इसमें हम क्या क्या क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कुछ एग्जाम्पल मैं आपको बताना चाहता हूँ, डेट शीट कैसे बनाएंगे, प्रोडक्शन रिपोर्ट कैसे बनाएंगे, ठीक है ना, अटेंडेंस शीट कैसे बनाएंगे, सैलरी शीट कैसे बनाएंगे, मार्कशीट, यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड या अदर किसी बोर्ड की किस तरीके से हम क्रिएट करेंगे, डेटा में फिल्टर कैसे लगाएंगे, डेटा में एडवांस फिल्टर कैसे लगाएंगे, पाइवट टेबल क्या होती है, पाइवट टेबल कैसे फंक्शन काम करता है, और कोई भी अगर लोन आपने ली हुई है तो उसका ईएमआई कैसे कैलकुलेट करते हैं, पीपीएमटी फॉर्मूला, आईपीएमटी फॉर्मूला किस तरीके यूज किया जाता है, विद जीएसटी सेल्स इनवॉइस कैसे क्रिएट करते हैं, परचेस इनवॉइस विद जीएसटी कैसे क्रिएट करते हैं, डेली रिपोर्ट एक्सेल में कैसे बनाते हैं, मंथली रिपोर्ट कैसे बनाते हैं, ईयरली रिपोर्ट कैसे बनाते हैं, मल्टीपल डेटा किस तरीके से क्रिएट करते हैं, डेटा को फ्रीज कैसे किया जाता है, सम इफ फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है जो हर एक जगह ऑफिस कंपनी सब जगह यूज होता है, तो ये फंक्शन कैसे काम करते हैं, एवरेज, एवरेज इफ्स, एवरेज काउंट, काउंट इफ, काउंट ब्लैंक, काउंट, ठीक है ना, ये बहुत सारे फॉर्मूले हैं सभी एक्सेल में किस तरीके से वर्क करते हैं, तो ये कुछ पॉइंट है, बाकी अदर्स और भी हैं लेकिन यहां पर मैं आपको कुछ मेन वो पॉइंट मैंने आपको समझा दिया है। इसके बाद स्टूडेंट और भी एक दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं एक्सेल में जो एडवांस एक्सेल में हर एक जगह इंटरव्यू पूछे जाते हैं, एमआईएस रिपोर्ट कैसे क्रिएट करते हैं, डैशबोर्ड कैसे बनाते हैं, मैक्रोस का यूज किस तरीके से करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, बीलुकअप, एचलुकअप, टीडीएस रिपोर्ट, टीसीएस रिपोर्ट, जीएसटी किस तरीके से मेंटेन करता है, कोई आप इनवॉइस बना रहे हैं, अकाउंट का वर्क कर रहे हैं तो कोई सेल्स इनवॉइस है तो उसमें हम सीजीएसटी, एचजीएसटी या फिर कोई अदर स्टेट का कोई आप बनाए तो उसमें आईजीएसटी कैसे हम इम्प्लीमेंट करते हैं किस तरीके से, तो ये सभी एक्सेल के कुछ मेन पॉइंट्स हैं। अब स्टूडेंट्स मैं आपको आगे बता दूं कि
पावर पॉइंट क्या है ना, तो पावर पॉइंट में क्या क्या मतलब समझाया जाता है, कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट है, जैसे कि एमएस पावर पॉइंट क्या होता है, कैसे ओपन किया जाता है, कैसे क्लोज किया जाता है, इसमें क्या क्या क्रिएट करते हैं, जैसे स्लाइड कैसे बनाते हैं, प्रेजेंटेशन कैसे बनाते हैं, है ना, एनिमेशन कैसे डालते हैं, डिजाइन किस तरीके से सेलेक्ट करते हैं, और जब प्रेजेंटेशन बन जाती है तो यहाँ पर हम किस तरीके से मतलब F5 करके रन कराते हैं, ऑटोमेटिक कैसे रन करता है, अगर हम किसी को समझा रहे हैं तो इंटेंट दबाए किस तरीके से मतलब वर्क करेगा, तो ये सारा है। और प्रेजेंटेशन का अधिकतर एजुकेशन में यूज होता है, जो टीचर्स हैं, ठीक है ना, जब स्मार्ट क्लासरूम समझाते हैं तो पेन ड्राइव में पीपीटी प्रिपेयर करके ले जाते हैं, फिर स्कूल में उसी को समझाते हैं, सेंटर पर, इंस्टीट्यूट में, कॉलेज में, ठीक है ना, तो इन सब एजुकेशन में पावर पॉइंट का यूज होता है। कोई भी टॉपिक होता है तो उसे किस तरीके से एक्सप्लेन करना है ना, तो उसे स्मार्ट बोर्ड कैसे समझाना है, प्रोजेक्टर कैसे दिखाना, तो ये सारा पावर पॉइंट में क्रिएट करके हम कर सकते हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं, एमएस एक्सेस। तो देखिए एमएस एक्सेस का जो यूज होता है डेटाबेस बनाने में होता है, डेटाबेस को कैसे मैनेज करते हैं, है ना, विश्लेषण करने में एवं रिपोर्ट बनाने में एमएस एक्सेस का यूज किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं इंटरनेट की। तो इसमें स्टूडेंट्स जैसे कि इंटरनेट क्या है, ठीक है ना, और इंटरनेट जैसे आपका हो गया गूगल मेल क्या है, जीमेल, ईमेल क्या है, किस तरीके से मेल किया जाता है, फाइल को अटैच करके मेल कैसे करते हैं, ठीक है ना, सीसी क्या होता है, बीसीसी क्या होता है, टू क्या होता है ना, तो और मेल आईडी कैसे क्रिएट की जाती है, ठीक है ना, इस तरीके से ये सभी जो मतलब क्वेश्चन है वो इंटरनेट में कोई फाइल को या मतलब कैसे हम फाइल में तो कैसे कॉपी पेस्ट करेंगे, किसी इमेज को कैसे डाउनलोड करना है, ठीक है ना, कोई एक्सेल की फाइल है, ठीक है ना, कोई वर्ड की फाइल है उसे पीडीएफ में कैसे कन्वर्ट करना है, बहुत सारी फाइलें हैं पीडीएफ की उसे मर्ज कैसे करना है, ठीक है, तो ये बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो इंटरनेट में है। कोई एक्सेल की फाइल बहुत सारी उन्हें कैसे डाउनलोड करना है, डाउनलोड करके मैक्रो से यूज करके एक साथ एक क्लिक करके उसे किस तरीके से हम आसानी से बहुत जल्दी क्रिएट कर सकते हैं, तो ये बहुत सारे इंटरनेट के हम मतलब इसमें यूजेज हैं, फंक्शन है, तो ये सब सीखते हैं। इसके बाद स्टूडेंट अगर हम बात करें विंडोज की, तो देखिएगा विंडोज में विंडोज क्या होता है, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, आइकन्स क्या होते हैं, है ना, आइकन्स को कैसे स्मॉल मीडियम बड़ा कैसे करते हैं, रिसाइक्लिंग विंड क्या होता है, कोई फाइल डिलीट हो जाती है उसे रिस्टोर कैसे करते हैं, ठीक है ना, फोल्डर कैसे क्रिएट करते हैं, फोल्डर कैसे डिलीट किया जाता है, फोल्डर में रीनेम कैसे डालते हैं, कंट्रोल पैनल क्या होता है, सॉफ्टवेयर कैसे अनइंस्टॉल करते हैं, सॉफ्टवेयर कैसे डाउनलोड करते हैं, ठीक है ना, और टास्क बार कैसे लॉक किया जाता है, कैसे अनलॉक किया जाता है, अगर आप लैपटॉप कंप्यूटर ले रहे हैं तो इसकी प्रॉपर्टी कैसे चेक करेंगे, हार्ड डिस्क उसमें किस तरीके चेक करेंगे कि कितने उसमें जीबी हार्ड डिस्क है, डेट और टाइम कैसे चेंज करना है, ये सारी सभी चीजें विंडोज में आती हैं, तो विंडोज में सारा समझाया जाता है। इसके बाद अगर ड्राइव सीओ से कैसे क्लीन अप करना है ना, डेस्कटॉप का बैकग्राउंड कैसे चेंज करना है, थीम्स कैसे चेंज करनी है, तो ये सारे आपके विंडोज में कुछ मेन मेन है वो मैंने आपको बता दिया, तो मेन मेन पॉइंट ये विंडोज में सारे आते हैं। और इसके बाद यहाँ पर जो 11 नंबर है, टाइपिंग ओनली इंग्लिश, तो देखिएगा इसमें कोई भी कोर्स करते हैं आप, चाहे बेसिक हो, चाहे 3 मंथ का, 6 मंथ का, 12 मंथ का, टाइपिंग जो इंग्लिश का कोर्स होता है वो आपका सभी कोर्सेस में होता है, हिंदी का नहीं होता है, कहीं कहीं हिंदी में भी करा देते हैं, लेकिन हिंदी का ये कोर्स अलग से होता है, क्योंकि हिंदी आप इतनी जल्दी सीख नहीं सकते हैं, उसमें 2 से 2.5 महीने लगते हैं पूरा हिंदी क्लियर मतलब समझने में, इसलिए हिंदी का इसमें नहीं रखा गया है, और इंग्लिश का सभी में होता है, तो क्योंकि इंग्लिश की टाइपिंग 25, 30 या 35 आनी ही चाहिए, तो जब इतना 6 मंथ का कोर्स करते हैं तो ये करते करते कंप्यूटर फंडामेंटल्स जब चलते चलते जब लास्ट तक पहुंचते तो स्पीड ऑटोमेटिक भर जाती है, थोड़ा बहुत बचता है तो 2-4 दिन करके वो भी क्लियर हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं इसका मतलब ड्यूरेशन क्या है, इस कोर्स का ड्यूरेशन क्या है, ड्यूरेशन की बात करते हैं। तो स्टूडेंट्स जो ड्यूरेशन है वो आपका
सेंटर्स की हम बात कर रहे हैं वो आपका 6 मंथ है, और यहाँ पर जो सेंटर वाले जो फीस चार्ज करते हैं अलग अलग है, एक सेम नहीं है। जो लगभग गांव के सेंटर्स हैं है ना, थोड़े कस्बा के सेंटर में 5,000, 6,000, 7,000 लेते हैं, और जो थोड़ा अच्छी क्वालिटी अच्छा समझाते हैं एडवांस लेवल का बताते हैं वो लगभग 5,000 और 10,000 के बीच में चार्ज करते हैं। ये मैं 6 मंथ की बात कर रहे हैं, जबकि 12 मंथ का 5,000 से 15,000 या 20,000 फी हो सकती है यूनिवर्सिटी या कॉलेज की। मैं यहाँ पर सेंटर्स की बात कर रहे हैं सिर्फ, ठीक है ना। और यहाँ पर जो जॉब फील्ड है, आप स्कूल के ऑफिस में जॉब कर सकते हैं, कॉलेज के किसी ऑफिस में आप जॉब कर सकते हैं, मतलब कॉलेज के ऑफिस में जॉब कर सकते हैं, कंपनी में जॉब कर सकते हैं, कहीं रिसेप्शन पर भी आप जॉब कर सकते हैं, डाटा एंट्री का वर्क कर सकते हैं, हॉस्पिटल वहां पर भी आप रिसेप्शन पे काम कर सकते हैं, है ना, डेटा ऑपरेटर की जॉब कर सकते हैं, एंड बहुत सारे अदर्स हैं। तो ये सभी आपके ड्यूरेशन फी कितनी है तो ये सारी कर सकते हैं। और इसमें जो आपकी क्राइटेरिया है, जो आपकी क्लास की, वो आपकी 10th या 12th होना चाहिए सेंटर के लिए, और यूनिवर्सिटी के लिए उनका 12th होना चाहिए, 10+2 होना चाहिए। तो इस तरीके से जैसे स्टूडेंट मैंने आपको पूरा समझाया कि क्या क्या सिलेबस है, उनके अंदर क्या क्या कोर्स होता है, कुछ मेन मेन पॉइंट है जो मैंने आपको बताया है ना। और इसके बाद हमने बात की ड्यूरेशन की, फीस की, जॉब फील्ड की, तो ये पूरा जो डिटेल्स है वो डीसीए कोर्स की है। तो स्टूडेंट आई होप कि आपको ये क्लियर समझ में आ गया होगा कि जब हम किसी जब 10th या 12th कर लेते हैं और हम जॉब के लिए जाते हैं तो यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो कंप्यूटर आता नहीं आता। तो ये एक थोड़ा एडवांस लेवल का जो आपके कोर्स है डीसीए कोर्स में रखा गया, क्योंकि आप कहीं भी जॉब करें तो आपको कम से कम डीसीए कोर्स के लेवल तक आपको आना चाहिए, जिससे जॉब में कोई प्रॉब्लम नहीं हो। तो इसलिए जो डीसीए कोर्स है काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है जॉब के लिए। इसके बाद स्टूडेंट मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो मैंने आपको पूरा बताया समझाया है, अगर आप ग्रेटर नोएडा एरिया के रहने वाले हैं तो हमारा सेंटर भी है, जैसे मैं आपको समझा दूं तो आप वहां पर आकर के भी कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। ये देखिएगा, ये विकी से कंप्यूटर एजुकेशन के नाम से ग्रेटर नोएडा में, एड्रेस आपका है शॉप नंबर 53 फर्स्ट फ्लोर आरके प्लाजा रामपुर जागीर बीटा फर्स्ट ग्रेटर नोएडा। ये रामपुर में ओम आटा चक्की काफी फेमस है, उसके पास में ये शॉप नंबर 53 है। तो अगर ग्रेटर नोएडा के आप आसपास के रहने वाले हैं या ग्रेटर नोएडा के रहने वाले हैं, अल्फा बीटा डेल्टा अगर इन लोकल एरिया के हैं तो आप वो ज्वाइन कर सकते हैं। आपको बेसिक से लेकर के एडवांस तक अगर आप कोई भी कोर्स करते हैं, जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कोर्स ऑफर्ड बाय इंस्टीट्यूट डीसीए एडीसीए एडीएफए बीसीसी ट्रिपल सी डीटीपी सीएफए डीसीएटी टेली प्राइम बीजीएसटी मार्ग बीजी एडवांस एमएस एक्सेल वर्ड इंटरनेट फोटोशॉप कोरेलड्रॉ पेज मेकर सी एंड सी प्लस प्लस एचटीएमएल इनकम टैक्स टीडीएस टीसीएस पेरोल ऑडिट बैलेंस शीट बैंक रिकंसिलेशन ट्रेडिंग अकाउंट गूगल एप्स लिब्रा ऑफिस टाइपिंग हिंदी और इंग्लिश और अदर्स कोर्सेस। तो ये सभी सेंटर पे हम बेसिक से एडवांस तक ये सारे कोर्सेस करा रहे हैं, और अभी 2023 है और ये 2013 जैसे आप देख रहे हैं 2013 से 10 साल का एक्सपीरियंस है। अगर आप ये वीडियो देख करके आते हैं सेंटर पे, कोड बताएंगे 2013, और ये कोड बता के आप ग्रेटर नोएडा के निवासी हैं और एडमिशन लेना चाहते हैं, तो जो भी जब आप सेंटर पे आएंगे तो जो भी फी होगी उसमें 10% आपका डिस्काउंट कर दिया जाएगा, और जो भी कोर्सेस है वो आपको बिल्कुल जीरो से लेकर के एडवांस तक समझाया जाएगा। क्योंकि जैसे आप भी समझे 2013 से लेकर 2023 10 साल का एक्सपीरियंस जो है, बहुत सारे सर स्टूडेंट्स आते हैं, सभी जॉब करते हैं, पूरा फील्ड का जो एक्सपीरियंस है वो आपको पूरा क्लियर बताया जाए, जिससे जॉब में कोई प्रॉब्लम नहीं हो, ठीक है ना। इंटरव्यू क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। तो चाहे आप कोई भी कोर्स करते हैं तो सभी आप जीरो से एडवांस तक सीख सकते हैं। तो ये तो था स्टूडेंट्स, अगर आप ग्रेटर नोएडा के रहने वाले हैं तो आप सेंटर पर आकर के मतलब ज्वाइन कर सकते हैं, कोड बताएंगे 2013, 10% डिस्काउंट हो जाए कोई भी आप कोर्स करते हैं, ओके। और यदि आप
ग्रेटर नोएडा से बाहर किसी स्टेट के हैं, अगर मतलब वो ग्रेटर नोएडा से बाहर के रहने वाले सेंटर पर नहीं आ सकते हैं, तो बीकेसीआई का एजुकेशन चैनल पर सारे वीडियो अपलोड कर दिए गए हैं, तो वहां से जाकर वन बाई वन आप देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैं आपको एक बार दिखा दूं, ये चैनल का नाम है, आप टाइप करेंगे बीकेसीआई कंप्यूटर एजुकेशन, तो यहाँ पर देखिएगा, अगर प्ले लिस्ट पे हम जाते हैं तो प्ले लिस्ट पे जाकर के यहाँ पर ये क्या क्या है ये देखिएगा, बिजी अकाउंट सॉफ्टवेयर के आप वीडियो देख सकते हैं, इंटरनेट के आप वीडियो देख सकते हैं, ईमेल, जीमेल, डिफेंस, सीसी, बीसीसी, इसके बाद इनकम टैक्स, टीडीएस वगैरह, ये सारे आप देख सकते हैं, नोट पैड, पैंट और वर्ड पैड के वीडियो सारे देख सकते हैं, ये कोर्सेस के सारे वीडियो हैं यहाँ पर, एमएस वर्ड में सारे शॉर्ट वीडियो अपलोड कर दिए गए हैं वो आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक्सेल के सारे वीडियो शॉर्ट वीडियो देख सकते हैं, इसके बाद इसमें बेसिक से एडवांस तक सारे वीडियो आपके हैं, लॉन्ग है वो आप देख सकते हैं, ये विंडोज यानी डैशबोर्ड रिलेटेड सारे वो हैं, ये अगर आप ट्रिपल सी की तैयारी कर रहे हैं, ट्रिपल सी का एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं, तो इसमें सारे वीडियो अपलोड कर दिए गए हैं, ये भी आप देख सकते हैं। और इसके बाद कंप्यूटर फंडामेंटल क्या होता है, जैसे मैं अभी समझा रहा था, तो कंप्यूटर फंडामेंटल से सारे वीडियो इसमें वो भी आप यहाँ से देख सकते हैं। तो अगर आप ग्रेटर नोएडा के बाहर के रहने वाले हैं तो आप बिल्कुल फ्री में, इसका कोई चार्ज नहीं है, सारे वीडियो वन बाय वन करके देखिएगा, चाहे वो एडवांस टैली हो, चाहे वो एडवांस एक्सेल हो, चाहे अदर्स कोई भी जो भी मैंने आपको दिखाया है, तो ये सभी वीडियो आप देख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, डीसीए कोर्स के बारे में सारी नॉलेज मैंने आपको समझा दिया है, डिटेल में भी मैंने आपको बता दिया है, ठीक है ना, फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम्स है तो आप कमेंट करिए, ठीक है ना, और मैं उसका आंसर अवश्य दूंगा। तो स्टूडेंट, आई होप कि डीसीए कोर्स के बारे में, और अगर आप ग्रेटर नोएडा के रहने वाले हैं तो आप सेंटर आकर भी सीख सकते हैं, अगर नहीं, बाहर अदर्स किसी स्टेट के हैं, डिस्ट्रिक्ट के हैं, नहीं आप आ सकते हैं, तो आप ऑनलाइन भी सीख सकते हैं, बिल्कुल फ्री है चैनल पर जाकर के। तो स्टूडेंट्स, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।